उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मार्च 2022 तक प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोक सेवा आयोग, चयन आयोग समेत अन्य भर्तियों के लिए आने वाले फॉर्म भरने पर युवाओं को कोई फीस नहीं चुकानी होगी। नैनीताल हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। यात्रा की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। चार धाम यात्रा की एसओपी आज जारी हो सकती है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है, एक दिन में केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति होगी। डीडी हाट को जिला बनाने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। लवी कफलिया की अध्यक्षता में विद्यासागर स्कूल डीडी हाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने भी जिला डीडी हाट की मांग का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। बता दें कि जिला डीडी हाट की मांग सोशल मीडिया में काफी दिनों से चर्चा में है। डीडी हाट विधानसभा के सभी राजनीतिक दलों के लिए ये मुद्दा काफी महंगा साबित हो सकता है, खासतौर पर भाजपा के मौजूदा विधायक किशन सिंह चौपाल के लिए। उत्तराखंड में जल्द ही फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे का आउटरीच सेंटर खुलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे सहमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में FTII की टीम उत्तराखंड आएगी और इसके बाद सेंटर की स्थापना हो जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए पूर्व से ही सदस्यता अभियान समिति का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजन हुए। कहीं 71 किलो लड्डू का केक काटा गया तो कहीं एक दूसरे से मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। दशाश्वमेध घाट पर भी पीएम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दीप जलाकर दीर्घायु की कामना की गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार शाम एक साथ कई रॉकेट दागे गए। यह रॉकेट काबुल में स्थित एक पावर स्टेशन के पास दागे गए हैं। रूसी न्यूज एजेंसी की लाइव रिपोर्ट के मुताबिक एक पावर प्लांट को निशाना बनाए जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। देश में अभी आतंकी हमले का खतरा टला नहीं है। गिरफ्तार संदिग्ध ओसामा का चाचा हुमैद उर रहमान अपने कई साथियों के साथ फरार है। ये 3 से 4 संदिग्ध आतंकी यूपी व दूसरे राज्यों में हो सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने हुमैद के खिलाफ LOC जारी कर दी है। साथ ही हुमैद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए CBI को बृहस्पतिवार को पत्र लिखा है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नज़ारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।